हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की खास खबरें। मैं हूं धर्म दुबे। नचबलिए के मंच से रोजाना ही सुर्खियां बनती है। आज हम आपको जो न्यूज देने जा रहे हैं उसे जानकर आप चौंक जाएंगे। शांतनु माहेश्वरी और नित्यामी शिर्के रियल लाइफ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। करीबी सूत्रों से पता चला है कि इस शो में एंट्री लेने के लिए दोनों ने प्यार का नाटक किया था। बता दें कि शो में शांतनु मजबूत कंटेस्टेंट है और नित्यामी के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया जाता है। म्यूजिक कंपोजर अन्नू मलिक के फैंस के लिए खुशी की खबर है। अन्नू मलिक इंडियन आइडल 11 को जज कर सकते हैं। बता दें कि पिछले साल #MeToo मूवमेंट के तहत अन्नू मलिक पर आरोप लगा था, जिसके बाद म्यूजिक कंपोजर साहब को इंडियन आइडल के शो से बाहर निकाल दिया गया। सिंगर सोना महापात्रा और श्वेता पंडित ने अन्नू मलिक पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। हालांकि मलिक साहब पर कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ। न्यूज ये है कि अन्नू मलिक ने इंडियन आइडल 11 की शूटिंग शुरू भी कर दी है और प्रोमो भी शूट किया जा चुका है। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं आप ट्विस्ट देखने वाले हैं। नायरा, वेदिका और कार्तिक के बीच बड़ी ही घमासान चालू है। फिलहाल मौका है तीज का। कार्तिक नायरा से इशारों इशारों में व्रत रखने को कहता है। इसके बाद पंडित जी नायरा को प्रसाद देते हैं, मगर वो वंश को दे देती है। इससे वेदिका को शक हो जाता है कि नायरा ने तीज का व्रत रखा होगा। ऐसे में कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि नायरा व्रत की वजह से चक्कर खाकर गिर जाएगी और कार्तिक उसे पानी पिलाएगा। इस तरह कार्तिक और नायरा की तीज पूरी हो जाएगी। सलमान खान का शो बिग बॉस चर्चे में दो वजहों से है। पहला इस शो का प्रोमो और दूसरा इस शो में हिस्सा लेने वाले प्रतियोगी। बिग बॉस के घर में जाने वाले सेलिब्रिटियों में जो नया नाम सामने आ रहा है वो टीवी की दुनिया का फेमस नाम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अलीशा पवार की। कलर्स टीवी के शो इश्क में मर जावा में अर्जुन बिजलानी के साथ आरोही और तारा की भूमिका निभाने के लिए अलीशा को बहुत पसंद किया जाता है। अलीशा ने काम की बेहतर तलाश के लिए इस शो को मार्च में ही छोड़ दिया था। स्टार प्लस के टीवी सीरियल एक भ्रम सर्वगुण संपन्न में अहम किरदार निभाने वाले अभिनेता जैन इमाम की तबीयत खराब चल रही है और वे अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें डेंगू हो गया है। मीडिया से बात करते हुए जैन इमाम कहते हैं, विडंबना है कि मुझे अपने शो की शूटिंग के आखिरी दिन गुरुवार को मच्छर ने काट लिया। मैंने लगभग तुरंत असहज महसूस करना शुरू कर दिया और अगली रात मेरे शरीर का तापमान 104 डिग्री तक पहुंच गया, जिसके बाद मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मैं कुछ दिनों में छुट्टी की उम्मीद कर रहा हूं, लेकिन एक पखवाड़े तक बिस्तर पर आराम करने की सलाह दी गई है क्योंकि शरीर कमजोर हो गया है। तो दोस्तों, ये थी टीवी जगत से आज की टॉप 5 न्यूज। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। देखते रहें हिंदी राशि।